दिस इज़ आवर सेकेंड लास्ट डे एट शंग्रीला एंड इन स्कर्दू। कल हमारी वापसी होगी, लेकिन आज का जो प्लान है हमारा ऑर्गेनिक विलेज, जीप रेडी है हमारी। सलाम अलैकुम। यहाँ से कोई तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है, ये उसके बाद 40 मिनट्स की वॉक है। ये एक खूबसूरत जगह है, एयरपोर्ट और स्कर्दू कैंट के पास, और बिल्कुल डेजर्टेड लैंड है, और उसमें ये दरख्त जो है ना बड़ी तरतीब के साथ लगे हुए हैं, मुझे बड़े खूबसूरत लग रहे हैं ये। स्कर्दू शहर के मेन बाजार में दाखिल होकर कुछ देर चलने के बाद बाएं जानेब मुड़ना पड़ता है खरपोचो फोर्ट और ऑर्गेनिक विलेज जाने के लिए। कुछ गलियों तक जीप और कार की रसाई है, मगर उसके बाद पैदल चलना पड़ता है तकरीबन 1 घंटा। स्कर्दू सिटी में हमने जीप पार कर दी है, ऑर्गेनिक वैली की तरफ अब हम पैदल चलना शुरू कर दिया। ये ऊपर खरपोचो फोर्ट की दीवारें नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम नहीं जाएंगे, हमने जाना है ऑर्गेनिक वैली। और ये सामने हमारे इंडस रिवर है, इसके साथ साथ हमने चलना है। और ये स्कर्दू के पहाड़, स्कर्दू की जो खूबसूरती है ना, वैसे डिफरेंट है जो बाकी इलाके हैं ना, जो ग्रीन होते हैं। ग्रीन ये भी होता है, ये जो दरख्त नज़र आ रहे हैं ये ग्रीन है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के दरख्त हैं जिनकी अपनी ये खूबसूरती है। ये नीचे एक तरफ काफ़ी अब गहराई स्टार्ट हो गई है, और काफ़ी केयरफुली चलना पड़ेगा इधर। इस मुश्किल रास्ते पर कई बार डगमगाने के बाद सोचा कि मंजिल भी इंसान के हौसले आजमाती है। खुली आंखों से जो ख्वाब हम देखते हैं, हमारा हौसला वो ख्वाब पूरे तो कर देता है, मगर एक कड़ी आजमाइश के बाद। फिर भी ये जुनून है कि कम होने का नाम नहीं लेता और बढ़ता ही जाता है हर गुजरते दिन के साथ। इस पहाड़ के दूसरी साइड पे जब हम निकलेंगे तो फिर कुछ व्यू और टाइप का होगा। थक तो नहीं रहे अब्दुल्ला? मैं तो बहुत थक रहा हूँ। इसी तरह के मुश्किल रास्ते पर तकरीबन 20 मिनट चलने के बाद व्यू अचानक बदल जाता है और मुश्किल रास्ता भी खत्म। ये रेत के इन टीलों में से चश्मा निकल रहा है, क्रिस्टल क्लियर पानी है पीने वाला, और लोगों ने यहाँ पे ये बॉटल्स भी रखी हुई हैं या फेंकी हुई हैं पानी पी के, सफाई का ख्याल नहीं करते बस लोग। और ये जब हमने अभी जब पहाड़ का मोड़ मुड़ा है तो बिल्कुल ये व्यू चेंज हो गया, अभी हमने काफ़ी आगे तक जाना है। बिल्कुल अब हम इंडस रिवर के किनारे पर आ गए हैं, लेकिन वो जो सामने पहाड़ नज़र आ रहा है लेफ्ट साइड पे है, इसको हमने क्रॉस करके कुछ थोड़ा आगे तक जाना है ऑर्गेनिक वैली जहाँ से स्टार्ट होगी। दुनिया के बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों के दरमियान ये जो है ना एक सहराई टच, ये कुदरत का एक बड़ा कारनामा है, बहुत ज़बरदस्त एक तोहफा है खासकर मेरे लिए। काश मेरा ड्रोन होता यहाँ पे, मैं बड़ा मिस कर रहा हूँ ड्रोन शॉट्स को। अभी हम डिस्कस ही कर रहे थे कि यहाँ पे दलदल होती है कि नहीं, तो ये तालिब ने हमें बताया कि यहाँ पे बिल्कुल होती है दलदल, और ये इसके ऊपर रखना जरा पाऊँ, ये तो है थोड़ी सी, अब बड़ी भी होगी। जहाँ पे कभी ऐसा हुआ है यहाँ पे कि कोई दलदल में फंस गया हो? वो एक घोड़ा फंस गया सर। घोड़ा फंस गया था, निकल नहीं सका। नहीं निकल सका? जी जी, फिर अंदर ही चला गया वो। अंदर ही चला गया। ओहो, काफी कोशिश किया नहीं निकला। ये एक इंटरेस्टिंग चीज पता चली है यहाँ पे। ये खरपोचो फोर्ट की दूसरी साइड पे अब हम आ गए हैं, सामने ऊपर दीवारें नजर आ रही हैं उसकी, और हम कुछ ऊपर अब आ गए हैं। वो जो सामने डेजर्ट सा, एक्चुअली डेजर्ट नहीं है वो, दरिया ही होता है वहाँ पे गर्मियों में। अभी चूंकि सर्दियाँ हैं तो
दरिया काफ़ी कम हुआ हुआ है, और ये जो हम देख रहे हैं ना, जो जो ड्राई लैंड बीच में नज़र आ रही है, ये सारी फील्ड होती है, और ये जो पानी का रंग है ये भी बहुत गदला होता है ड्यूरिंग समर। बच्चे अपना एंजॉय कर रहे हैं पानी में पत्थर फेंक के। देखें कौन ज्यादा दूर फेंकता है पत्थर। आप थोड़ा पीछे होके फेंको अब्दुल्ला, पत्थर के साथ खुद ना चले जाना। चलो फेंको। नहीं मरियम पानी में नहीं गया, वो कितनी दूर गया है। अब मैं फेंकूंगा। बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल पुरसकून जगह है, कोई शोर शराबा कुछ नहीं है, खेलते हुए हम जा रहे हैं। ये कोई स्टीप हाइकिंग नहीं है, मज़े का रास्ता है। वो जो दो पहाड़ हैं जिनके पीछे बर्फ की चोटी भी नज़र आ रही है, वहाँ से शिगर रिवर आ रहा है, फिर वो इसमें शामिल हो जाता है इंडस में। अच्छा यहाँ पे इन पत्थरों में यहाँ की एक स्पेशल लिजर्ड भी होती है, और वाइट कलर का एक स्नेक भी होता है, तो अगर नज़र आया तो देखेंगे, लेकिन चूंकि ये सर्दियाँ हैं तो अभी मुश्किल है कि वो नज़र आए। कोल्ड ब्लडेड रेप्टाइल्स होते हैं, तो वो फिर सर्दियों में अपने बिलों में ही रहते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर भी नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े भी नज़र आ रहे हैं, और यू नेम एनी कलर और उसी कलर का पत्थर यहाँ पे मिलेगा, पर्पल ब्लू ग्रीन और बहुत सारे। तालिब कितना रह गया ऑर्गेनिक? 25 मिनट और है। यहाँ जो लोकल आते हैं वो बस इसी रास्ते से आते हैं, आगे गांव है हाँ, और वो अपनी जरूरियात की चीजें कैसे पहुंचाते हैं फिर वहाँ? कंधे पे उठा के। सामने ऑर्गेनिक वैली का दरवाजा नजर आ रहा है, यहाँ से बहुत खूबसूरत व्यू है इंडस का, और थोड़ा सा फ्लो भी यहाँ से पानी का ज्यादा हुआ हुआ है। ट्रैक टफ इस लिहाज से है कि पथरीला है और तंग है, ये स्टीप नहीं है जिसपे सांस भी फिर चढ़ता है साथ साथ। अच्छा इसमें ट्राउट फिश होती है इस पानी में भी? इसमें ट्राउट फिश भी है, वो दो जो है ना परंदा, वो मुर्गा भी है। वो कहाँ मुझे तो नजर नहीं आ रहा है, किनारे पे बिल्कुल वाइट। हाँ दो। ये मुझे अब नजर आ गए लेकिन कैमरे में नहीं नजर आएंगे। अच्छा मुर्गा भी होती है इधर, और ये भी सामने भी बैठी हुई है शायद? नहीं ये कोई जाल लगाया। अच्छा और यहाँ पे कभी किसी ने तैराकी की है इस दरिया में? जी जी किया है, काफी लोगों ने, यहाँ के लोकल लोग यही करते हैं। अच्छा तैराकी करते हैं। कितनी गहराई है इसकी यहाँ पे? ये कोई 20-30 फुट होगा। जितना गहरा हो ना पानी वो तैराकी उतनी आसान हो जाती है उसमें, ये तो है। हाँ मुझे आती है स्विमिंग लेकिन हम कर नहीं सकते यहाँ पे क्योंकि पानी बहुत ठंडा होता है। चलिए हम रिज्यूम करते हैं, थोड़ा सा सांस लेने के लिए रुके थे। वेलकम टू द फर्स्ट ऑर्गेनिक विलेज। 50 मिनट हमने लगाए हैं, जहां स्कर्दू में हमने जीप पार की थी वहां से लेकर यहां तक। हैरान हूं मैं वैसे कैसे एक पहाड़ पूरा घूम के हम आए हैं यहां पे, और आगे इंसानों की बस्ती है, दरमियान में सिर्फ दरिया था, पत्थर थे, कहां कहां पे अल्लाह ताला ने लोगों के लिए रिस्क रोजगार लिखा हुआ है। मुझे तो बहुत प्यास लग रही है तो मैं यहाँ से थोड़ा सा पानी पीऊंगा। ये बहुत खूबसूरत सा जंगल है, इतनी पुरसकून जगह, आई कैंट बिलीव। ऑर्गेनिक हट नंगसोक, नंगसोक ये कोई इनका अपना वर्ड है। बिल्कुल ये लग रहा है कि ये जो है ना अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है। ये वाटर स्ट्रीम अमिड ए फॉरेस्ट
और बिल्कुल क्लियर वाटर, और उसमें ये डक्स जा रही हैं। ब्रिज बने हुए हैं छोटे छोटे, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत लगा यहाँ पे आके। इसका नाम ऑर्गेनिक विलेज इसलिए है कि यहाँ पे जो हर चीज़ है वो अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है, सेल्फ सफिशिएंट हैं ये अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करने में। क्योंकि रास्ता तो हमने देखा यहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना चीज़ों को बहुत मुश्किल है, कभी यहाँ पे कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल, साइकिल, ट्रैक्टर, इस गांव ने ऐसा कुछ नहीं देखा। तो यहाँ पे हर चीज़ जो है ना बिल्कुल नेचुरल है, इसलिए इसको ऑर्गेनिक विलेज का नाम दिया हुआ है। ये हमारे लेफ्ट साइड पे एक बहुत ही ऊंचा पहाड़ है। और ये लोकल्स ने कुछ अपनी जो है वो काश्तकारी भी की हुई है यहाँ पे। कितना टफ रास्ता था जिससे अभी हम आए थे, और उसके बाद कैसी जगह पे हम पहुंचे, अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल। दिस इज द ट्रीट ऑफ करंट टूर, यानी कि इस जगह के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मैं अपना दिल यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। ये अभी मैं पत्थरों के कलर की बात कर रहा था ना, ये देखें, ये चॉकलेट ब्राउन कलर का पत्थर है, और ये बिल्कुल भी शार्प नहीं है, और एक और भी ये डुअल कलर्स, सुभान अल्लाह, बिल्कुल ग्रीन पे है। यू नेम एनी कलर एंड यू विल फाइंड इट। मुझे पता नहीं था पहले कि स्कर्दू में इतनी खूबसूरत जगह हैं। मैं तो एक दफ़ा आया था बस, और शिगर और देवसाई देख के वापस चला गया था, लेकिन ये जगह तो असल देखने वाली हैं। और इतनी सैकड़ों की तादाद में यहाँ जगह हैं जहाँ पे कैंपिंग की जा सकती है, और मेरा दिल करता है कि हर जगह पे एक शाम गुजारूँ, और हर मौसम में स्कर्दू और उसकी विसिनिटीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए मुझे तकरीबन 2 माह चाहिए, और वो इस तरह चाहिए कि मैं अपना व्लॉगिंग सिस्टम है वो यहाँ शिफ्ट कर लूँ 2 माह के लिए, स्कर्दू को एक्सप्लोर करूँ, इसके तमाम जो वैलीज़ हैं उनको, और फिर यहाँ से जाऊँ। उन 2 माह में भी शायद ये पूरा ना हो सके, कोना कोना तो कोई भी नहीं देख सकता, लेकिन दिल करता है कि यहाँ पर पहाड़ों का कोना कोना देखा जाए, क्योंकि हर कोने से एक डिफरेंट ही व्यू कुदरत ने रखा होता है इंसान के लिए। 70-80 यहाँ पे काउंट है लोगों का जो रहते हैं, और 17-18 फैमिलीज़ हैं सिर्फ, उनका ये गांव है। कितना मज़े की बात है, इंटरेस्टिंग, कि इतनी खूबसूरत जगह पे सब फैमिली वाले, सब रिश्तेदार यहाँ रहते हैं। अच्छा खैर, अभी मैंने ये क्रॉस करना है, ये मैं देख रहा हूँ कैसे क्रॉस करूँ। डन, बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं। ये क्या चीज़ है, जख? अच्छा, इस पे बैठ के और दरिया के उस पार जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कुबूर। इजाजत हो तो आज के इस सफर को एक शेर में कैद करना चाहता हूँ। जब इश्क ने पूछा चुपके से, चलना है तो चल अब देर न कर, मैं नंगे पाँव ही चल पड़ा, पूछा भी नहीं कहाँ, और सब हार दिया।